subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मेरे तारुफ की जरूरत नहीं, मुझे सुनने के लिए अहले सुन्नत जमात के फर्द भी आए हुए हैं और आते रहते हैं, और मेरे भाई शिया हजरात भी मौजूद हैं जिनके साबका जिस मजहब से आया हूँ वो भी सुनने के लिए आए हुए हैं, जिस मजहब में आया हूँ वो भी सुनने के लिए आए हुए हैं। सवालात काफी हैं जो मेरे जिम्मे लगाए गए हैं कि इनका भी जवाब देना है, इनका भी जवाब देना है, और बानियों की तरफ से भी हुक्म है, और टेलीफोन पे भी इतने सवाल मुझे बताए गए हैं कि मैं तकरीबन 5 घंटे मजलिस पढ़ता रहूं तो वो सवाल पूरे नहीं हो सकते। मैं कहता हूं सवाल भी इंशाल्लाह इसके दरमियान मैं आपको जवाब देता जाऊंगा। जिस मौजू को मैंने शुरू किया उस मौजू को भी मैंने कम्प्लीट करना है, थोड़ा थोड़ा इसी तरह दूसरों को। ये आले मोहम्मद की करम नवाजी नहीं है कि एक साल हम किसी चक में पढ़ते हैं, एक अलम होता है, एक बंदा मजलिस कराने वाला होता है, जब दूसरे जाल साल जाते हैं तो अलम 12 होते हैं, मजलिस कराने वाले 12 होते हैं। हैदरी आली आली आली, क्या वजह है कि लोग शिया हो रहे हैं, उधर कोई नहीं जाता जिधर से मैं आया हूं। कोई माँ का लाल यू नहीं कह सकते कि फला मंडा शिया था और फिर वो सुन सकते कि फला इलाके वाले 10 घर पहले तो सुन्नी थे अब वो काफिर हो गए हैं। काफिर क्यों हो गए हैं कि वो अली जन वली युल्ला पढ़ते हैं, इसलिए वो काफिर हैं। कुरान मेरे सर पर है, मैं आदम से लेकर आज तक अंबियाओं को और वलीहू को अली जन वली युल्ला ना पढ़ता दिखाऊं तो मुझे अली ने बुलाया ही नहीं। सलामत रहें। मेरे पास एक किताब है कुरान पाक जो लाराइब किताब है, जो इसमें शक करे अल्लाह करे उसका कख न रहे। दूसरी किताब है अहले सुन्नत जमात की मोतबर तरीन किताब मिश्कात शरीफ जिल्द नंबर 3। जो कुछ पढ़ना है या इससे पढ़ना है या इससे पढ़ना है, हवाले मेरे पास मौजूद हैं, किताबों गाड़ी में है, गाड़ी भरी हुई है, जिसको शक हो मैं आधा घंटा बैठक में बैठा रहूंगा, वो आकर सवाल करे जवाब ना दे सकूं कत्ल वाजिब, मजहब छोड़ दूं, अगर कुरान की आयत पढ़कर जवाब दूं तू ना मान। अभी एक बंदे ने मुझसे सवाल किया है टेलीफोन पे कि कारी साहब, अभी मेरे भाई बाग़े फदक की बात कर रहे थे, बहुत अच्छे अंदाज में वो खिताबत कर गए हैं, मौला उनको सलामत रखे, उनकी जबान में तासीर फरमाए, मौला उलमा ज़ाकिरीन की मौला हिफाजत फरमाए, क्योंकि ये मौलवी जो है ये जुमा 8 दिन हुए हैं इस मिंबर पर आकर खिताबत कर रहे हैं, इन जाकिरों की मेहरबानी है कि ये इंतहा कर दी है आले मोहम्मद के फजाइल की इन्होंने। तो भाई उन्होंने कहा कि बात यह है कि आजकल का इतराज हो रहा है कि नबी पाक की बेटियां 4 हैं, शिया 1 क्यों मानते हैं। तवज्जो थोड़ी फरमानी है मेरी तरफ से, मुझे चौके छक्के लगाने भी आते हैं, मैं चाहता हूं थोड़ी इल्मी गुफ्तगू आपको सुनाऊं। नबी की शिया 1 बेटी मानते हैं, जिधर से मैं आया हूं वो 4 मानते हैं, जिधर आया हूं ये 1, जिधर से आया हूं वो 4। मुझे दोनों का पता है, ये 1 क्यों मानते हैं वो 4 क्यों मानते हैं। आज एक फार्मूला अब्दुल खालिक दे के जा रहा है इस मिंबर इमाम हुसैन अलैहि सलाम पर, नागियों के चक के अंदर नज़्र नवा लाहौर है, तो ऐलान करके जा रहा हूं जिंदगी में कभी ये सवाल कोई नहीं करेगा कि नबी की बेटी 1 थी या नबी की बेटियां 4 थी। ऐसा फार्मूला के अहले अकल इसे तस्लीम करेगा, बल्कि बेअकल भी घर में जाकर कहेगा मुझे इनके बारे में अकल आ गया है। हर किताब में, इस किताब में भी लिखा हुआ है
कि नबी पाक ने जब ऐलान नबुव्वत किया तो उस वक्त तीन बेटियों की शादी हो चुकी थी ऐलान नबुव्वत से कबल 5 साल। जब ऐलान नबुव्वत हुआ तो 5 साल पहले नबी की 3 बेटियों की शादी हो चुकी थी। शादी हो गई, 5 साल बाद नबी ने ऐलान नबुव्वत किया। तो जब ऐलान नबुव्वत किया उस वक्त नबी का सन मुबारक था 40 साल। कितना था? यही एक जुमला समझ में आ गया, मेरी पूरी तकरीर खत्म। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, जहन मेरी तरफ रहे। इस बारे में 4 और 1 के बारे में आलम बनाना चाहता हूँ सबको। शिया है तो शिया रहे, सुन्नी है तो सुन्नी रहे। मैं उनको दावत नहीं देता कि तुम शिया हो जाओ, कम से कम अपने मौलवियों को मुंह पर तमाचा मार कर कहो कि अब्दुल खालिक ने जो फार्मूला बताया है इसको झूठा कैसे करोगे। चालीस साल के सन में शिया सुन्नी मुतफिक, मेरे पाक नबी ने ऐलान नबुव्वत किया। 25 साल के सन में मेरे नबी की शादी हुई। कितने साल में? 25 साल के सन में, उम्र में नहीं सन में मेरे नबी की शादी हुई। 5 साल मेरे नबी की औलाद न हुई। मुशरकीन ने अबतर कहना शुरू किया, मेरे नबी ने, मेरे अल्लाह ने मेरे नबी को पहले एक बेटा दिया। 5 साल ये जो औलाद न हुई, 1 साल जिसमें पहला बेटा हुआ, 5 और 1 6। 25 साल के सन में हुई शादी, 25 और 6 31। कितने हो गए? 31 साल हो गए। फिर अल्लाह ने एक बेटा दिया, 32 साल हो गए। फिर जनाब जहरा आई, फिर कितने हो गए? 33 साल हो गए। 5 साल ऐलान नबुव्वत से पहले हुई 3 बेटियों की शादी, ये 32, 33 और 5 कितने हो गए? 38 साल, 38, 3 और 8, 38 साल हो गए। ऐलान नबुव्वत हुआ 40 साल के सन में, बाकी बचते हैं 2 साल। जा मुल्ला से कहे कि 2 साल में नबी की 3 बेटियां पैदा भी करे, जवान भी करे, शादी भी करे। हाय हाय हाय, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या जड़े नारा नहीं लांदे उधरों तो नहीं है जिधरों मैं आया, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हादरी। समझ आ गई? 25 साल के सन में हुई शादी, 5 साल औलाद न हुई। लोगों ने कहा नबी अब तर है। 5 साल के बाद मेरे नबी की औलाद हुई, 31 साल में बेटा, 32 साल में बेटा, 33 साल में बेटी। 5 साल पहले शादी हुई 3 बेटियों की, 33 और 5 38, बाकी बचे 2 साल। अक्कल का नबी ना, 2 साल में 3 बेटियां पैदा कैसे हुई, जवान कैसे हुई, शादी कैसे हुई? अक्कल का इलाज कर, अली की बराबरी करते करते नबी की नबुव्वत को जुठला रहा है। हैदरी, आली 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 आली, कहते हैं जनाबे कलसूम की शादी फलां से हुई। हजरत अली की बेटी की शादी फलां बुजुर्ग से हुई। बुखारी शरीफ में कहते हैं, लिखा हुआ है, ये कुरान मेरे सर पर है, तू जनाबे कलसूम की शादी किसी किताब में
उस बुजुर्ग से की हुई साबित कर मेरा कत्ल वाजिब, अगर नहीं कर सकता देख हदीस क्या है, उसका नाम भी कलसूम है जिसकी शादी उस बुजुर्ग से हुई, लेकिन आगे बढ़ बेटी किसकी है, लिखा है बेटी अबू बकर की है वो। अल्लाह हु अकबर, 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 क्या बात, क्या बात है। सलामत रहे, अली मौला, अली मौला, अली ऊंची आवाज से बोला जिनको अल्लाह ने जबान दी है, हादरी मौला आपको सलामत रखे। एक और सवाल है कि वजह है कायनात नबी नहीं, वजह है कायनात नबी, सवाल है ना बोला दानी ने साहब ने भी मुझे दावत भी दी और ये भी कहा है कि लोग कहते हैं वजह है कायनात नबी नहीं, कुरान की कसम किताब का नाम मैं ले रहा हूं, किताब हर बुक सेंटर जो दीनी बुक सेंटर है सबसे मिल जाती है और हर उस मदरसे में है जिधर से मैं आया हूं, किताब सीरत की है जहां नबी की सीरत उन्होंने बयान की है, किताब का नाम भी लेता हूं, आप जाकर लोगों से पूछें और उनमें पढ़ें वाक्या ये दर्ज ना हो, हदीस नहीं, हदीस कुदसी है, हदीस नबवी और चीज है, हदीस कुदसी और चीज है, कुरान और चीज है, कुरान मफहूम अल्लाह का है, जुबान मेरे नबी की है, ये कुरान है, हदीस कुदसी भी मफहूम अल्लाह का है, जुबान मेरे नबी की है, ये हदीस कुदसी है, हदीस नबवी क्या है, जुबान भी मेरे नबी की है, मफहूम भी मेरे नबी का है, ये हदीस नबवी है, अकल का इलाज कर मौलवी, तेरे अकल के नाखून नहीं उतरे, तू मेरी तरह जिस तरह पहले मैं बदबख्त था, मुझे समझ नहीं आती थी, इस तरह तू भी बदबख्त है, तुझे भी समझ नहीं आएगी जब तक इनके दरवाजे पर नहीं आएगा। ये हदीस कुदसी, हदीस नबवी और कुरान क्या है, मेरे नबी की जुबान से जो निकले या कुरान बनता है, मेरे नबी की जुबान से जो निकले या हदीस कुदसी बनती है, मेरे नबी की जुबान से जो निकले या हदीस नबवी बनती है, अरे मेरे नबी की जुबान को जो चूसे या अली बनता है या हसन बनता है या हुसैन बनता है। जिंदाबाद, हादरी, सीरत की किताब, किताब का नाम है मवाहिदुल दुनिया, बहुत बड़ी मोतबर तरीन किताब है, अहले सुन्नत वल जमात चाहे देवबंदी हो चाहे बरेलवी हो, हम किसी को काफिर नहीं कहते, अपने मदरसों में देखिए, किताब ना हो कत्ल वाजिब, हदीस कुदसी दर्ज ना हो मजहब छोड़ दूं, जाकर उलमा से पूछें, कोई उलमा इनकार करे तब भी कत्ल वाजिब, चाहे दीवबंदी होबंदी हो चाहे बरेलवी हो, अरे मुल्ला नहीं, मुल्ला इनकार करता है, आलम इनकार नहीं कर सकता, मेरा अल्लाह फरमा रहा है, मेरा अल्लाह ला ला खलक तो तवज्जो दो, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाह फरमा रहे, हदीस नबवी नहीं, हदीस कुदसी, लमा खलक तुल अफलाक, अल्लाह फरमा रहे मेरा महबूब अगर तुझे मैं खलक ना करता, तुझे मैं खलक ना करता, कायनात की कोई चीज खलक ना करता, तुझे खलक ना करता, हदीस नबवी नहीं, मेरे नबी ने नहीं फरमाया कि मेरा अल्लाह कहता है अगर मुझे ना खलक करता तो कोई चीज ना होती, अल्लाह फरमा रहे, हदीस कुदसी भी कुरान है,
अल्लाह फरमा रहा है मेरा महबूब अगर तुझे खल्क न करता, कायनात की कोई चीज खल्क न करता, इसलिए हदीस कुदसी और है, मोतबर तरीन किताबों में है, सिया सित्ता में है, कौन तो कंजन मखफियन फहबब तो अन और फका फखलक तो का या मोहम्मद आले मोहम्मद, आए मोहम्मद आले मोहम्मद, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं, मैंने तुम्हें खालक करके भेजा, मेरी पहचान का जरिया भी तू मोहम्मद है या औलादे मोहम्मद है। अकल का इलाज कर, अल्लाह की पहचान भी इन्होंने कराई है। अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल अस्माउल हुस्ना, कि मैं सबसे बड़ा मुसव्विर हूँ। मुसव्विर कहते हैं जो तस्वीरें बनाने वाला हो। जा मौलवी के सर पर कुरान रख, उससे पूछ के अब्दुल खालिक कहता है कि अल्लाह है सबसे बड़ा मुसव्विर तस्वीरें बनाने वाला, उससे पूछ के अल्लाह ने किसकी तस्वीरें बनाई जो मुसव्विर बना, अल्लाह ने किसकी तस्वीरें बनाई जो मुसव्विर बना। पांच तस्वीरें अपनी नूरानी स्क्रीन पर बना कर फिर पूछता है कल ओ मेरा मोहम्मद बोल। नबी ने फरमाया हो वल्ला हो अहद, अल्लाह को जुमला पसंद आया। अल्लाह ने महबूब की जुबान के सदके आसमान को खल किया, दूसरी तस्वीर को मुर्तजा की तस्वीर को सामने रखकर का कल, उसने कहा अल्लाह समद। जब ये लफ्ज पसंद आए मेरे अल्लाह ने फरमाया अरे मुर्तजा तेरी जबान मुझे इतनी पसंद आई, तेरी जबान का सदका मैंने जमीन को खल्क फरमाया। फिर तीसरी तस्वीर को कहा कौल तू भी मेरी कलीज कुछ बोल, उसने कहा हो वल्लाह अहद, उसने कहा अल्लाह समद। बीबी ने कहा लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह को लफ्ज पसंद तो जाता हूँ, अल्लाह को पसंद आए। अल्लाह ने बीबी की जुबान का सदका पानी को खल किया, ऐसे नहीं कहते कि पानी मेरा से फातिमा है। हाय 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 हाय, अल्लाह करे मैं जुमला समझा सकूं। फिर तस्वीर सामने रखी जनाब हसन की, क्या कौल कुछ तू भी बोल, बलम या कुल्लाहू, अल्फाज इतने पसंद आए। अल्लाह ने हसन की जुबान का सदका जन्नत को खल किया। फिर हुसैन की तस्वीर सामने रखी, कौल कुछ तू भी बोल, हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, कुछ तू भी बोल, कुछ तू भी बोल, हो वल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। हुसैन के लफ्ज खत्म हुए, सूरत तौहीद खत्म हुई। अल्लाह ने हुसैन की जुबान का सदका जन्नत में बागात लगाए, नहरें बनाई, उसमें हूरें बसाई। और मैं कहता हूँ अक्ल कंधा मौलवी, आसमान बना मेरी नबी की जबान का सदका, जमीन बनी अली की जबान का सदका, पानी बना जहरा की जबान का सदका, जन्नत बनी हसनैन शरीफैन की जबान का सदका। फिर मैं कहना दू नाके वाले कुरान की कसम, जो बंदा नबी का दुश्मन है उस कुत्ते को हक नहीं कि वो आसमान के नीचे चले। जो अली का दुश्मन है उस बद किरदार को हक नहीं कि वो जमीन पर चले। जो जहरा कहा है तो अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जो जहरा का दुश्मन है उसको हक नहीं कि वो पानी पिए। अगर पानी पिएगा, जहरा का दुश्मन है तो पानी गसब वाला है, अगर वो मर गया तुमने गुसल दिया उस जहरा के दुश्मन को तो पानी हराम है उस पर, उसका गुसल भी नहीं होगा। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, हैदरी आली आली आली, क्या बात,
और आपको सलामत रखे। या अली या अली या अली। लौला कौन तो कंजन मखफियां, जुमला देखे मौजू की तरफ जा रहा हूँ। मौजू ये मुझे सवाल दिया गया था कि नबी की वजह से कायनात खल्क नहीं हुई, और मैं कहता हूँ नबी की वजह से तू क्या कहता है। आले मोहम्मद की तस्वीरें बनाकर सूरत तौहीद की बड़ी अहमियत बयान करता है कि कोल के बगैर गुजारा नहीं। मौलवी से पूछ कोल बना कैसे है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कुरान की कसम ये हदीस कुदसी है, कौन तो कंसन मखफियन फहबबतु अन उरिफका फखलकतुका या मोहम्मद व आले मोहम्मद। कोई बंदा साबित कर दे कायनात में कोई मौलवी कि सूरत कुल इस हदीस कुदसी से पहले है, मेरा कत्ल वाजिब। हदीस कुदसी पहले कौल शरीफ बाद में, अब पता चला कि अल्लाह ने कहा मैं था, छुपा हुआ खजाना। खजाना कोई पाकिस्तान का, ईरान का, सऊदी का नहीं, अल्लाह का खजाना। अल्लाह कहते मैंने खजाने को खाली करना शुरू कर दिया, पहले मैंने मोहम्मद को भेजा, फिर मैंने अली को भेजा, फिर मैंने जहरा को भेजा, फिर मैंने हसन को भेजा, फिर मैंने हुसैन को भेजा। जब खजाना खाली हुआ, और जुमला समझने वाले पढ़े लिखे इलाके के पढ़े लिखे मोमिनों, जुमला समझ में ना आया मैं लोतरा तक अफसोस करता चला जाऊंगा। जब खजाना खाली हुआ फिर अल्लाह ने कहा कौल हो वल्लाह अहद, अब खजाना नहीं अकेला बैठा हूं। अल्लाह अब अकेला बैठा हूं, खजाना खत्म। यह है मवद्दत अहले बैत। वाह तौहीद ने मस्जिद में, मस्जिद की सफों में तौहीद तुझे शब्बीर के सजदा में। वाह वाह, नारा है हादरी आली आली। और रब्बे कायनात के राजों को अली कहते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात के राजों को अली कहते हैं, और दीन इस्लाम के नाजों को अल्लाह सुभान अल्लाह। और तू क्या कहता है अली, जुमे इबादत नहीं और जाने हम नबी और पीर बातें को हैदरी। एक सवाल आया है और कि अब्दुल खालिक तू कहता है जो भी किरदार शिया है वो कुरान में है, तवज्जो है नहीं है। चलो घोड़े का जिक्र कुरान में सही, नमाज का जिक्र कुरान में सही, रोने का जिक्र कुरान में सही, पीटने का जिक्र कुरान में सही, मातम का जिक्र कुरान में सही, नमाज हाथ खोलने का जिक्र कुरान में सही, वुजू का जिक्र कुरान में सही, ये जो तुम ताबूत निकालते हो ये कहां लिखा हुआ है? ताबूत निकालते हो ये कहां लिखा हुआ है? कुरान की कसम मैं कहता हूं ये कुरान 30 बारों का मेरे सीने पे है। कोई वो काम ऐसा नहीं जो शिया करते हूं और कुरान में ना हो। हैदरी आई। कोई भी बैठा है इस मजमे के अंदर जिस मसले का है दावा नहीं, दलील मेरे पास है। इस कुरान से पढ़कर और बड़ी दलील कोई नहीं है। लहराते हुए अलमू की कसम, बंदा माँ के सच्चा दूध पीकर आए तो खड़े होकर सवाल करे अब्दुल खालिक तू जो शिया हुआ है ये फला काम शिया करते हैं ये बिदत है सुन्नत नहीं, मैं कहता हूँ वो सवाल उठकर खड़ा होकर करे। अगर सवाल खत्म होने के एक मिनट बाद मैं इन 30 पारों में आयत पढ़कर न सुनाऊ तो जहरा ने बुलाया नहीं। कहते ताबूत का जिक्र नहीं है, ये जो ताबूत निकालते हैं ताबूत का जिक्र कुरान में नहीं है। और बंदा मौलवी कुरान हिफ्ज करके रट लवे तो उन्हें समझे ना फिर सदीकी का कसूर है। और पढ़ता मैं भी पहले रिहा कुरान हिफ्ज कितम किरत पढ़ी हम दौरा हदीस कितम
तराना 7 साल पढ़ा 23 साल कुरान पढ़ेंदारियां उड़े समझ कख नहीं आई। क्यों नहीं आई? अल्लाह दे बंदे दा पुत्र बन जब तक तू वारे से कुरान कुन कुरान ना गिन से कख समझ का ना आए। जब तक वारिस से विरसा ना ले जाए विरसे का पता नहीं होता। विरसा तब समझ में आएगा जब वारिस से लोगे। कब्जा करना और बात है। हाय 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 ओ भाई, बात ये है बुतों का कब्जा काबे पे नहीं था, था ना? क्या हजरत इब्राहिम नहीं है बुत का कब्जा छुड़ाने के लिए? नहीं छोड़ा उन्होंने। इब्राहिम खलीलुल्लाह भी है, ला इलाहा भी है, अल्लाह भी है। बुतों ने कब्जा नहीं छोड़ा। कब्जे ग्रुप वाले बड़े बदमाश होते हैं, उन्होंने छोड़ा ही नहीं। उसके बाद जनाब ईसा है, जनाब मूसा है, मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह भी है, ईसा रूहुल्लाह है, अल्लाह भी है। कब्जा बुतों ने नहीं छोड़ा। नबी है, नऊज बिल्ला मिन ज़ालिक, गलत बात ना करूं, मेरा पाक नबी आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है, अल्लाह भी है, कब्जा छुड़ाने आया, बुतों ने कब्जा नहीं छोड़ा। मेरा वो नबी है जो पत्थरों को कलमा पढ़वाता है, अगर ये कहता छोड़ दो ना छोड़ते, छोड़ जाते। जब मेरा नबी है ना काबा में, बुतों कब्जा छोड़ जाओ, तो बुतों ने कहा या रसूल अल्लाह ठीक है तू सच्चा नबी है, मगर तू नबी है, मुशरक हमें खुदा कहते हैं, तू नबी है, मुशरक हमें खुदा कहते हैं, कम से कम उसको तो आने दो जिसको दुनिया में कुछ लोग खुदा कहते हैं, उसको तो आने दो। ला इलाहा भी है बुत नहीं गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है बुत नहीं गए। जब आया अली जन वलीजुल्ला तो बुत गए, बुत गए। अल्लाह कहता है कुलूबल मोमिनीना बैतुल्लाह ताला, मोमनो मेरा घर तुम्हारा दिल है, तुम्हारे मोमनों के दिल में मेरा घर है। तवज्जो, जो अली जन वलीजुल्ला का दुश्मन है उनसे बात करने जा रहा हूं। मेरा तुम्हारा दिल मेरा घर है, मैं तुम्हारे दिल में रहता हूं, तुम्हारा घर जन्नत है, मेरा घर तुम्हारा दिल, तुम्हारा मोमनों का घर जन्नत, अब तुम्हारा घर मेरे पास अमानत है, मेरा घर तुम्हारे पास अमानत है, मेरे घर में अक्सर बुत रहते हैं। हाय 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 अल्लाह अकबर, मेरे घर में अक्सर बुत रहते हैं, तुम्हारा घर मेरे पास अमानत, मेरा घर तुम्हारे पास अमानत, ला इलाहा हो तो बुत तुम्हारे अंदर, मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ोगे तब भी बुत तुम्हारे अंदर, जब तक अली जन वलीजुल्ला न पढ़ोगे तुम्हारे दिलों से बुत नहीं निकलेंगे। अगर तुमने मेरे घर में किसी को बसाया तो मैं भी तुम्हारे घर में किसी को बसा दूं। अली मौला ऊंची आवाज से बोलिएगा, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कौल, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट आपको सहमत दे रहा हूं, जो मौजू का मैंने शुरू किया खुदा की कसम अभी शुरू कर रहा हूं। कौल, ये आयत उस वक्त नाजल हुई जब सारे सहाबा रजी अल्लाह बन गए, इन्होंने घरों में जाकर मशवरा किया कि अल्लाह के नबी का बड़ा एहसान है, हम काफिर मुशरिक थे, इसने हमें मुसलमान बनाया। तवज्जो है सबकी, हम चाहे इसको दीन की उजरत दें, कुरान की कसम ये घरों से चले। जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा पर बैठा होता, अल्लाह ने कहा जिब्राइल जी रब्बे जलील जल्दी जा मेरे नबी के सारे रजी अल्लाह जा रहे हैं मेरे नबी को दीन की उजरत देने के लिए, देखना क्या देते हैं। जिब्राइल भी आया हुआ है, सहाबा भी आ गए, कहा या रसूल अल्लाह फिदा का या मियां, अभी सारे मां बाप कुर्बान जाएं, हम दीन की उजरत देने हैं, क्या देना चाहते हो? कहा नमाज रोजा हज ज़कात खम्स वाजिबात दाढ़ी मेहराब। नबी ने फरमाया कल का इलाज करो, तुम मुझे वो देने आए हो जो कल मैंने तुम्हें दिया है।
या रसूल अल्लाह क्या दें? नबी ने फरमाया जो मैंने ना दिया हो क्या? फरमाया अल्लाह कहता कौल ला सालकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुरबा, अगर दीन की उजरत देना चाहते हो मेरी औलाद से मवद्दत करो। दीन की उजरत देना चाहते हो मेरी औलाद से मवद्दत करो। कुरान की कसम अब्दुल खालिक नमाज रोजे हज जकात को रद्द नहीं कर रहा, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि दीन की उजरत नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, जिकात नहीं, जिहाद नहीं, दीन की उजरत है आले मोहम्मद से मवद्दत करना। कहने का मकसद अल्लाह का कुरान में यह है कि अगर तुम आले मोहम्मद से मवद्दत करोगे, कुरान पढ़ोगे सवाब होगा, रोजा रखोगे सवाब होगा, नमाज पढ़ोगे सवाब होगा, हज करोगे सवाब होगा, ज़कात दोगे सवाब होगा, अगर तुमने आले मोहम्मद से जरा बराबर भी बोगज रखा, कुरान पढ़ोगे कुरान लानत करेगा, नमाज पढ़ोगे नमाज तबर्रक। हैदरी अली अली। नमाज का फायदा तब, कुरान का फायदा तब कि अगर तुम आले मोहम्मद से मवद्दत करोगे। इन्होंने कहा या रसूलल्लाह अगर तेरी औलाद से मवद्दत करें फिर क्या मिलेगा? क्योंकि ये मंगते थे वो दाता। जिस तरह मजलिस पढ़ लेते हैं ना, तो जब बाहर जाते हैं बानी जेब में हाथ डालता है सिगरेट निकालने के लिए, मौलवी समझता है न्याज दे रहा होगा, क्योंकि ये दाता हम मंगते, सहाबा मंगते नबी दाता। क्या या रसूल अगर तेरी औलाद से मवद्दत करे फिर क्या मिलेगा? कायनात का नबी का सर झुका, आवाज कुदरत मेरा महबूब वमा यंतिकुनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू युहा, कुरान सुन रहे हो, वमा यंतिकुनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू युहा, कभी अपनी मर्जी से ना बोलने वाला रसूल खामोश हुआ, आवाज कुदरत मेरा महबूब अगर तेरी औलाद से मवद्दत करके कुछ मांगना चाहते हैं तो मेरी तरफ से दे। आयत का दूसरा जुज पढ़ क्या फरमाया, वमा यक्तरिफ, हाय 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 हाय, कुरान की कसम आयत कुरान है, आयत गलत पढ़ू कतल वाजिब, तर्जमा गलत करूं मजहब छोड़ दूं, तर्जमा ठीक है तो आले मोहम्मद को मान दुश्मनों को छोड़। फरमाया वमन यकतरिफ हसनतन नजिद लहू फीहा हुस्ना, ओ मेरा महबूब अगर तेरी औलाद से ये मवद्दत करें मेरी तरफ से ऐलान कर दे कयामत के दिन इनके गुनाह बढ़ गए, नेकियां कम हो गई, इनके सदके इनके गुनाह मिटा दूंगा, ने क्या बढ़ा दूंगा। यही नाम है या अली या अली या अली या अली। जिस शख्स को आले मोहम्मद से प्यार है, जिस शख्स को आले मोहम्मद से प्यार है, माशर में वो शख्स बड़ा बामकार है। वाह 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 वाह। माशर में वो शख्स बड़ा बामकार है, दावी ने खुद उसको कहे कि पुकार कर और आजा बने दिन से कराए इंतजार है। हादरी बस फरमाए नहीं, इन अल्लाह गफूर और शकूर। जब मोमिन जाएंगे जन्नत के दरवाजे पर, सूरत दहर की आयत है, वह हुल्लू असावेरा मिन फिज़ा, उन मोहम्मद वाले मोहम्मद से मवद्दत रखने वाले मोमिनों को अल्लाह चांदी के कंगन पहनवाकर जन्नत में दाखिल करेगा। हाय 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 हाय, या अली या अली या अली। जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, फिर अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह गफूरन शकूर। जब वो जन्नत में चले जाएंगे, हूरें भी उनका इस्तकबाल करेंगी, मलाइका भी उनका इस्तकबाल करेंगे, मैं अल्लाह भी उनका मशकूर रहूंगा। कयामत करो खत्म करू मजलिस, कयामत करो वादा अल्लाह का जो इनसे मवद्दत करे उनके गुनाह मैं माफ करूंगा। तराजू जबराइल के हाथ में अमाल तोले जाएंगे, हजरत अबा बकर रजी अल्लाह ताला अन्हुम व रदुआन। हाय 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 हाय, या अली या अली या अली। बाबे बना के बेहले बैत मिस्कात शरीफ किताब उनकी जिधर से सिद्दीकी आया है, ऐलान समझ में आ गया,
حضرت ابوبکر نے پوچھا یا رسول اللہ ترازو کس چیز کی ہوگی؟ تانبے کی، لوہے کی، لکڑی کی؟ جو نبی نے ترازو بتائی ناگے والے سناؤں؟ نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنو میرے سارے صحابہ، عبد الخالق سب کو بتانا، جو نہ مانے اس پر لعنت کرنا. کیا ترازو؟ فرمایا سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آنا میزان العلم. ابوبکر پوچھنے والا، صحابہ سننے والے، نبی بحکم خدا بتانے والا. کیا؟ فرمایا آنا میزان العلم، جس سے ترازو پکڑی جائے. وہ ترکڑی جڑے پھمڑ نال پکڑی دیے اکور پیچ کیا دھن. آنا میزان العلم، میں علم کی میزان ہوں گا. والی جن امود ہو، علی اس کی امود. والحسن والحسین کفات ہو، حسن حسین اس کے پلڑے. والائمت من امتی خیوت ہو، باقی امام اس کے لڑ ہوں گے. وفاطمہ تو علاقت ہو، میری بیٹی اسے آپس میں ملائے گی. یوزانو فی ہے اعمال المحبین، ہمارے مومنوں محبوں کے اعمال اس ترازو میں تولے جائیں گے. اے ملا، قیامت کے روز ترازو 5, 12, 14 کی ہوگی، 3 پاؤں والی ترازو کہاں سے آئے گی؟ حیدری علی 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 یا علی علی حیدر یا علی. ترازو جبرائیل کے ہاتھ میں، اعمال تلوانے کے لیے ٹولے پہ ٹولا، لشکر پہ لشکر. سب سے پہلے وہ لوگ عقل کے دھنی، بڑے بڑے کھرپینچ، سلوار چھوٹے بھائی کی، کمیز بڑے بھائی کی. سمجھ آ گئی؟ یہ سامنے آئے گے ہمارے اعمالوں کا وزن کر. جبریل کہے گا میرے اللہ، بڑے جذباتی، بڑے لڑاکے، قتل و غارت کرنے والے، وزن اٹھانے کے عادی، ان کے اعمال تولوں. قرآن کی قسم، قرآن میں آواز آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا نقیم الہم. جو اب بھی نہ بولا کبھی نہیں بولے گا، فلا نقیم الہم یوم القیامت الا وزنا. اللہ فرمائے گا جبرائیل ان کے اعمالوں کا وزن نہ کر. میرے اللہ کیوں؟ جب ہم نے لینے نہیں تو تولے کیوں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے! اللہ تعالی زندگیاں دراز کرے. حیدری علی، جب ہم نے لینے نہیں. حیدری، اسلام آباد سے ہم باز کر کے آ رہے تھے سابقہ دور میں. میرے استاد میرے ساتھ تھے، مولانا محمد میاں صاحب سراج العلوم کے بانی ہیں. تو اے سی بس پہ بیٹھے، آگے دو عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، پیچھے ہم بیٹھے ہوئے تھے. بالکل خاموشی تھی. وی سی آر ٹی وی اب ہے، یہ جو بےغیرتی کا سلسلہ ہے، پہلے یہ ہوتا نہیں تھا. تو ایک بچہ ایک ماں کی آغوش میں رونے لگا. جب اس نے رونا شروع کیا تو بندے پریشان ہوئے. خدا کی قسم ان کے مذہب کا مجھے پتا نہیں ہے. جلدی سے ایک بی بی نے بچے کے سینے پر ہاتھ بھر کر کہا یا علی یا علی یا علی. بچہ چپ. میرے استاد نے میرے کاندھے سے پکڑا، عبد الخالق شیعہ قوم ہم سے مار نہیں کھاتی. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یہ شیعہ کا بچہ تھا، اس کی ماں نے علی علی کہہ کر اسے چپ کرایا ہے. اگر ہمارا بچہ ہوتا، ہماری عورت ہوتی، وہ نادی علی یا علی نہ کہتی، منہ میں انگلی ڈال کر کہتی رو 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 رو. یا علی یا علی یا علی، لو 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 کر کے چپ کرتی، بچہ چپ نہ کرتا. قرآن کی قسم، مجھے آج سمجھ میں آیا، جو لو 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 کرتے ہیں بچے وہ اور ہوتے ہیں، جو نعت علی پڑھ کر ماں پالیں وہ اور ہوتے ہیں. لو 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 والوں کو کیا پتا علی کون ہے؟ بس ختم کر رہا ہوں جی، 5-6 منٹ باقی ہیں میرے. میرا نقصان کا رہنے والے میرے بھائی، میں بھینس ہوں گا. غور سے سنیں ان کی بات. بات کرتا ہوں
हमेशा हुजूर के अंदर वो तीन पद है जैसे जन्म के। वाह 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 सुभान अल्लाह। अली का नारा कहता है कोई बच्चा आजादी को तवज्जो है आमाल ना तुले वापस फिर आए तो हमने बड़े वजन उठाए हैं। जहन्नम में जाना है तो बेशक भेज मगर आमालू का वजन कर। जिब्राइल ने फिर पूछा मेरे अल्लाह आमालू का वजन करूं? आवाज कुदरत कुरान में आई अगर करवाते हैं तो फिर ऐसा कर वाकिफू हम इन्नहुम मसूलून इनको लाइन में खड़ा कर वसल सवाल कर। हाय 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 लाइन में खड़ा करके सवाल कर मेरे अल्लाह सवाल कैसा? आवाज कुदरत इन्नहुम मसूलून अन विलायत अली जबन अभी तालिब अली जन अली जुल्ला पढ़ते हैं तो वरना अल्लाह।